भाई आजकल कौन सुंदर नहीं दिखना चाहता है। हर किसी को अपना चेहरा साफ सुथरा बिना किसी दाग धब्बों के चाहिए होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आज हम वीडियो में बस उसी बारे में बात करेंगे कि आप अपने चेहरे को सुंदर, ग्लोइंग और बिना दाग धब्बे वाला कैसे बना सकते हैं, और वो भी एकदम फ्री में। तो आज हम बात करेंगे एलोवेरा के बारे में। हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए और हमारे पाचन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और एकदम फ्री में काम करता है। इसका एक पेड़ आप अपने घर पर लगा लो तो एकदम फ्री में ही काम करेगा, आपको कोई पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दो महीने में ये पेड़ काफ़ी बड़ा भी हो जाता है और काफ़ी अच्छे से काम भी करता है, और इससे बहुत सारी औषधि बनाई जाती हैं, बहुत सी चीज़ों में यूज में लिया जाता है। तो आज हम इसी के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना अनलाइक कर देना। एलोवेरा जूस हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, जो हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। एलोवेरा जूस और जेल दोनों ही कब्ज की समस्या को दूर करते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, और साथ ही साथ इसमें पाया जाता है V1, V2, V6 और V12 और बहुत से विटामिन और फॉलिक एसिड। तो आजकल बन चुकी है सबसे बड़ी समस्या लोगों का हेयर फॉल आजकल बहुत लोगों के हो रहा है। तो आप एलोवेरा जेल अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं, ये बालों को मजबूत करता है, हेयर फॉल को भी रोकता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और इससे हेयर लॉस की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, जो हमारे बालों को मजबूत करती है, पोषण देती है और साथ ही साथ हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करती है। और साथ ही साथ एलोवेरा में पाया जाता है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, जो अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप उसके लिए भी उसका भी इलाज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आप अपने सर में लगाएं, डेली नहीं, हफ्ते में एक बार लगा लें। मैं तो जब भी सर धोना होता है उससे एक घंटा पहले लगा लेती हूँ। बस आपके बालों को ये मजबूत भी करेगा, डैंड्रफ को भी दूर करता है और बालों को लंबा और मजबूत भी करता है। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको भी रोकने में मदद करता है। तो आप बस आधे घंटे के लिए इसके लिए लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने फेस पर एलोवेरा जेल को डेली आप लगाएं। यह आपके चेहरे पर ग्लो लेकर आएगा, झाइयाँ, झुर्रियाँ, बहुत सी प्रॉब्लम होती है ना चेहरे की, सभी को दूर कर देता है। चेहरे पर अगर पिंपल्स हैं, दाग धब्बे के निशान रह गए हैं, उनको भी दूर करता है। एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट होता है इसमें, तो और चेहरे की झुर्रियों को हटाता है, झाइयों को हटाता है। भाई अब इसके कितने गुण गिनाऊँ मैं, इसके ना लगभग 1000 गुण गिनाऊँगी ना, चेहरे के लिए, बालों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, वो भी कम पड़े। तो आप बस बिना सोचे समझे अपने बालों पे, अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर दें और इसको पीना भी शुरू कर दें। इसका एलोवेरा जूस आता है वो भी पीना शुरू कर दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, आपके पेट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो भाई डेली सुबह सुबह इसके लिए थोड़ा सा ज़रूर पीती हूँ, होता तो बहुत ज़्यादा कड़वा है लेकिन फिर भी पीती ज़रूर हूँ, थोड़ा बहुत, ये नहीं डेली नहीं, हफ्ते में एक या दो बार तो आप पी सकते हैं। डेली हम मीठा खाते हैं तो कभी कड़वा भी खा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा एलोवेरा लेकर आती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको 15 या 20 मिनट के लिए साफ पानी से धोना होता है, क्योंकि जो काटते हैं तो येलो लिक्विड निकलता है ना, वो हमारे लिए गलत है, वो हमें स्किन पे भी नहीं लगाना होता है, और इस तरीके से आपको इसे बालों पे भी नहीं लगाना होता है। तो जब भी आप एलोवेरा का जो पेड़ है उसको काटते हैं तो उसमें से जो येलो लिक्विड निकल रहा होता है ना, उसको साफ़ कर लें, 15 मिनट बाद ही उसको यूज में लें। तो आप देख सकते हैं मैं भी मॉर्निंग में ये एलोवेरा जूस पी रही हूँ, सच में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो कुछ तो करना ही होता है, ठीक है। तो आपको मॉर्निंग में सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एलोवेरा जूस पिए, यह आपकी हेल्थ के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एलोवेरा को संजीवनी बूटी कहा जाता है, इसको आयुर्वेद में संजीवनी कहा गया है, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो एक बार आप ज़रूर यूज कर देखें, इसके लिए अपने चेहरे पर लगाइए, अपने बालों पर लगाइए, और पीकर भी देखें, कड़वा होता है लेकिन कोई नहीं, पीना चाहिए, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। अगर हम इतना मीठा खाते हैं तो कभी कभी कड़वा भी खाना चाहिए, अगर हमारी हेल्थ के लिए जो भी अच्छा है वो सब कुछ करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। और वैसे एलोवेरा जेल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है बवाल करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आप बालों पे और चेहरे पे लगा सकते हैं, ये वैसे ही असरदार होता है और कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी और नींबू मिलाकर भी लगा सकते हैं चेहरे
पर जल्दी असर करता है, अच्छा काम करता है, क्योंकि हल्दी के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं जो थोड़ी जल्दी वर्क करने में मदद करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, लोगों के लिए जानकारी हो और भी ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरी वीडियो को इसी तरीके से देखते रहें। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।